हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्रोडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 अगस्त को। गाइस, 2 अगस्त यानी कि फ्राइडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इस दिन ये दो न्यूज़ आई है। ये भी कंफर्म नहीं हुई है, पर जो पीएमओ है, खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वहाँ पर बात चल रही है कि राहत देने की बात चल सकती है। कि आप देख सकते हैं कि जिस दिन बजट आया था उस दिन हमारा जो निफ्टी का हाई था वो था 12,100 का लेवल, और आप देख सकते हैं कि बजट से लेकर अब तक हम 1100 पॉइंट 1200 पॉइंट गिर चुके हैं ऑलरेडी। निफ्टी की अगर मैं खास कर बात कर रहा हूँ तो कई जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बजट से लगातार मार्केट गिर चुकी है, और 1100 1200 पॉइंट मार्केट गिर चुकी है। अब हमें देखने को मिल रहा है कि एक राहत हल्की फुल्की देखने को मिल रही है। गाइज, आप देख सकते हैं कि जिस दिन से बजट आया उस दिन से अब तक एफआईआई ने एफपीआई ने $2 बिलियन की बिकवाली कर ली है हमारी मार्केट में। $2 बिलियन गाइस बहुत होते हैं, इतनी की बिकवाली कर चुकी है एफआईआई और एफपीआई। तो गाइस, अब उसका रीज़न क्या था? आप देख सकते थे कि बजट में जो हमारी प्राइम मिनिस्टर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि अब सरचार्ज लग जाएगा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, और उस पे इंक्लूडेड था एफपीआई भी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी इंक्लूडेड था, और वो उससे नाखुश थे। गाइस, वो उससे नाखुश थे, सरचार्ज जो हम बढ़ा दिया गया था। तो गाइस, सरचार्ज लगाने की वजह से हमने देखा था कि उनको अब हमारी इंडियन मार्केट पे इतना खास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं देखने को मिल रही थी। नहीं लग रहा था कि अब वो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, तो वो अपनी पोजिशंस को हल्के हल्के एग्जिट कर रहे थे, हल्के हल्के अपनी पोजिशन से निकल रहे थे, और उन लोगों ने डिमांड भी करी थी और अपने यहाँ पर इंडिया के थ्रू कि इसमें अगर आप राहत नहीं, अगर आप इसे हटा नहीं सकते तो आप थोड़ी बहुत राहत दीजिए कि हम आपके मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। सो गाइस, इसी तरीके से आज ये न्यूज़ आई है कि फॉरेन इन्वेस्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को राहत मिल सकती है सरचार्ज से। अगर पूरा सरचार्ज नहीं हटा सकते तो थोड़ी बहुत ऐसी चेंजेस करी जाएंगी फाइनेंस पॉलिसी के अंदर कि इनको राहत मिल जाए। गाइस, दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपको पता था कि बजट में एक और चीज़ आई थी जिसकी वजह से मार्केट ने एक नेगेटिव इम्पैक्ट लिया था, वो था कि मिनिमम पब्लिक होल्डिंग जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की थी वो अब मिनिमम होल्डिंग बढ़ गई थी। यानी कि पहले जो प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज थी उसकी जो मिनिमम होल्डिंग थी पब्लिक के पास वो होती थी 25%, उसे बढ़ा के 35% कर दी थी। सो गाइज, ये एक मार्केट के लिए, और जो हम समझ सकते थे 150 कंपनीज हैं जो जिसको इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था ये मिनिमम होल्डिंग की जो ये न्यूज़ थी। सो गाइस, ये भी अब बात कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए बात चल रही है, तो उससे डायरेक्ट 150 कंपनियों को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे। और मुझे लगता है कि यहाँ एक अच्छी खबर है, ये जो एक बहुत अच्छी खबर आई है 2-3 दिन के अंदर फाइनल कर दिया जाएगा। अगर ये 2-3 दिन में फाइनल हो जाता है गाइस, उसी के साथ जो आरबीआई की पॉलिसी आ रही है 7 तारीख को, अगर वो भी अच्छी चली जाती है तो वहाँ से मुझे लगता है कि अगले हफ्ते, इस हफ्ता जो आने वाला है अगला हफ्ता, वहाँ पर शायद निफ्टी और यह मार्केट एक बॉटम बना ले, और वहाँ से हम एक स्टार्ट कर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर जाए। गाइस, आप देख सकते हैं कि मार्केट में आज जो एक गिरावट आई थी वो ये भी आई थी कि ट्रंप ने दोबारा टैरिफ को बढ़ा दिया गया है और चाइनीज़ गुड्स पे। सो गाइस, ये ट्रंप, ये जो ट्रेड वॉर है, ये मुझे लगता है 1 साल और से और लग जाएगा चलते हुए। ये इस साल मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेड वॉर ख़त्म हो पाएगा। सो गाइस, हल्के हल्के करके हम अपनी जो इंडियन मार्केट की सबसे पहली न्यूज़ है जो नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया हमारी खुद की इंडियन इकनॉमी डाल रही थी, उसको हम 2-3 दिन में शायद पचा पाए और वहाँ से शायद हमें एक अच्छी मूव दे पाए। अब चार्ट्स में बढ़ते हैं और देखते हैं कि 5 अगस्त को जब ये मंडे का सेशन ओपन होगा, जो अगला हफ्ता शुरू होगा, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से काम करना है। और हमने देखा कि जो लोअर लेवल से रिकवरी आई है वो इसके ऊपर क्यों नहीं गई, और वहाँ से छू के हमने देखा दोबारा नीचे क्यों आ गए। बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और स्टडी करते हैं किस तरीके से काम हो सकता है। और जो 5 स्टॉक्स हैं जो आप 5 अगस्त को इंट्राडे पे काम कर सकते हैं, उसकी वीडियो मैं अगले दिन लेकर आऊँगा, यानी कि कल सैटरडे को आपके साथ शेयर करी जाएगी। आज फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, मैं इसे थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ कि आप देख पाए आराम से। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी कल भी वीडियो बनाई थी, तो वीडियो पे मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पे अच्छे से टेक्निकल्स एनालिसिस और ट्रेंड लाइंस को लेके सब आपको मैंने बता दिया था कि किस तरीके के से निफ्टी और बैंक निफ्टी काम कर रही है। तो मैं गाइस इस पे आपको एक छोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा।
और आपको अगर पूरी अच्छे से एनालिसिस चाहिए कि लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन और सपोर्ट कहाँ पर है, तो आप वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इस पर हम बस बात करेंगे कि कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है और कहाँ से हुआ था, और हमने देखा जो अब हायर लेवल्स में आज सुबह मार्केट गया दोपहर में, वहाँ पर हमने देखा क्यों दोबारा सेलिंग आ गई कि मार्केट लोअर लेवल्स में जाके बंद हुआ। तो देख सकते हैं कि चार्ट्स पे मैंने एक दो लाइंस ड्रॉ करी हुई है, ये दो लाइंस हैं, ये एक रेंज है छोटी सी, इस रेंज को आपको समझना पड़ेगा गाइस। सबसे पहली ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है आप देख सकते हैं, जो इसका प्रीवियस लो था जो इसने तोड़ा था, और उसी के सामने एग्जैक्ट अपोजिट आप देख सकते हैं कि 200 दिन का मूविंग एवरेज भी वहां पर सपोर्ट का काम कर रहा था। सो मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले इसने सपोर्ट फेस करा, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हमने देखा कि जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो उसके बाद अगले दिन ऊपर गया और वहाँ पर फिर रेजिस्टेंस फेस करा। सो गाइज आप देख सकते हैं कि ये जो दो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, एक रेंज बनाई हुई है, कि जो इस लेवल से मार्केट जब नीचे गई है तो अब ऊपर जाने के लिए उसे रेजिस्टेंस फेस कर रही है, पर जब तक उसकी ऊपर थी इसको सपोर्ट मान रही थी। अब आप देख सकते हैं गाइस कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने आज क्या करा। इससे पहले मैं जूम आउट करके आपको फिबोनाची का लेवल दिखा देता हूँ, मैंने कहाँ पर बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं कि मैंने अक्टूबर 2018 पे मैंने यहाँ पर जब 10,000 का लेवल मार्केट ने छुआ था, और वहाँ से जो इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट दी है 12,100 तक की, मैंने यहाँ से लेकर 12,100 तक का एक फिबोनाची ड्रॉ करा। फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद मुझे पता चला जो इसने हमने देखा कि 2100 रुपये तक की मूवमेंट दी है, वहाँ से 50% जो इसने जो मूवमेंट दिया उसका 50% अगर हम मान के चले, जो कि हमें लेवल दिखा रहा था 11,060 का लेवल, उस लेवल को भी तोड़ के हम देख रहे थे कि मार्केट नीचे चला गया था। और जो एक गोल्डन रेशियो कहलाता है फिबोनाची के लिए 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, मुझे लगता था कि वहाँ पर जाके मार्केट सपोर्ट ले सकता है, जो कि 10,800 का लेवल है। अब देख सकते हैं कि मार्केट ने आज जहाँ पर रिवर्स करा वो था 10,840 या 10,850 के लेवल पर। गाइस मैं आपको पूरी श्योरिटी नहीं देता कि पूरा ऐसा मार्केट हमें नहीं ट्रेंड और चार्ट इंडिकेटर सजेस्ट करते कि वो एग्जैक्ट लेवल वो छुएगा। हो सकता है कि हमें उसके ऊपर हल्का सा सपोर्ट देखने को मिल गया और वहाँ से वो स्टॉक रिवर्स कर सकता है या इंडेक्स रिवर्स कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ सपोर्ट देखने को मिला, अगले उसी टाइम हमने देखा रिकवरी आ गई थी वहाँ पे, फिर एक तीसरा सपोर्ट देखने को मिला, चौथा सपोर्ट, पांचवा सपोर्ट, और आज के दिन भी हमने एक इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट देखने को मिला। सो गाइज आप देख सकते हैं कि हमने देखा इस एग्जैक्ट लेवल से हमने रिकवरी देखी, पर जब इसने हाई मारा, हाई कहाँ पर मारा, एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन पे, आप देख सकते हैं 11,000 C पे इसने एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे हाई मारा, और वहां से हमने देखा एक दोबारा ये नीचे गिर गया। तो आप देख सकते हैं कि ये एक कितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जो हम मान के चल रहे हैं, और स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्यों है एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। दूसरी बात, वहां पर हम देख सकते हैं कि इसका प्रीवियस स्विंग लो था जिस लो को इसने तोड़ा था, और तीसरी बात 50% की जो इसने गिरावट दिखाई थी अब वो उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया ऊपर निकलने के लिए। सो अब आपको सजेशन यही दिया जाता है, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलता जो कि है 11,130 11,150, अल्टीमेट है ये एक रेंज है 11,130 से 11,150 के ऊपर, जब तक मार्केट नहीं निकलता तब तक आपको इसमें बाय पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी है। पहला टारगेट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हायर साइड में वो होगा 11,300 का, जो कि 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है, और दूसरा जो इसका टारगेट होगा वो इसका टारगेट होगा 11,450 का टारगेट। गाइस ये मैं आपको तभी कह रहा हूँ कि जब ये 11,150 के ऊपर बंद होता है, सस्टेनेबली बंद होता है, क्लोजिंग बेसिस में बंद होता है, तभी आपको बाय करना है फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 11,300, सेकेंड टारगेट 11,450। गाइस आप दूसरी बात देखिए कि कल के ट्रेडिंग सेशन पे मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो मार्केट की क्लोजिंग थी 10,980 पे, और आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है 11,000 पे ही, हम मान के चल सकते हैं 2-3 रुपये ऊपर है, तो हम ये मान के चल सकते हैं बस क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से 1-20 रुपये ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव क्लोजिंग तो नहीं है, पर हाँ हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर जाने में काम क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया। सो गाइस अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर भी मार्केट ने 11,200 पे क्लोजिंग दी, इस कैंडल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी 11,080 पे, इस मार्केट ने अगले दिन मार्केट ने क्लोजिंग दी 11,040 पे, और अगले दिन आप देख सकते हैं रेगुलरली हम देख रहे थे कि लोअर लोस पे ही जाके क्लोज हो रहा था, और इस टाइम हमने देखा कि मार्केट इस लो पिछले लो के क्लोजिंग के नीचे जाके बंद नहीं हुआ और एक्चुअली उसके ऊपर जाके बंद हुआ।
शायद एक ये रिवर्सल साइन हो सकता है, तो आपको बाय तभी करना है 11,150 के ऊपर निकले, और आप शॉर्ट पोजीशन अगर आप इनिशिएट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं कि अगर आपको 11,030-40 के आसपास मिलता है तो भी आप इसमें एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 11,850 11,800 का लेवल। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है गाइस कि अल्टीमेट टारगेट जो मुझे लग रहा है कि वो है 11,800 जो कि 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है अगर मार्केट गिरता है। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। अगर मार्केट गिरता है फर्स्ट टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो 10,980 का होना चाहिए, सेकेंड टारगेट होना चाहिए 10,800 का लेवल। अगर मार्केट बढ़ता है जो मैंने आपको बताया जिस प्राइस के ऊपर तो 11,300 से 11,450 का लेवल होना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो सिमिलर मैंने उसी टाइम फ्रेम से लेके मैंने ऊपर के जो लेवल्स है वहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ करा, तो फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद मुझे पता चला कि बैंक निफ्टी है वो निफ्टी से ज़्यादा सस्टेनेबल है और ज़्यादा नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? आप देख सकते थे कि निफ्टी ने 50% के रिट्रेसमेंट लेवल को कब का तोड़ दिया है और वो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास चला गया था और शायद आज छू भी सकता था। पर आप गाइस देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग जो बैंक निफ्टी ने जो लो मारा वो एग्जैक्ट लो 50% का रिट्रेसमेंट लेवल था, वहाँ से इसने बाउंस दे दिया और बाउंस देने के बाद हमने देखा जो आज बैंक निफ्टी का हाई था वो एग्जैक्ट उसी सपोर्ट का ट्रेंड लाइन था। आप देख सकते हैं जो प्रीवियस लो था मैंने वहीं पर ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है और वहीं पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा। आप देख सकते थे पहले ये सपोर्ट फेस करता था, अब जैसे ही इस लेवल को तोड़ा वहाँ पर अब इसने रेजिस्टेंस फेस करा और उसके नीचे चला जाके बंद हो गया। बैंक निफ्टी अगर हम बात करें 2 या 3 दिन के पर्पज़ से तो हाँ निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी वीक है। क्यों? आप देख सकते थे कि बैंक निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी वो थी 28,370 की और आज जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो है 28,230 की। तो यानी कि कल और कुछ दिनों के मुकाबले हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी लोअर लेवल्स पे जाके ही बंद हो रहा है और अपने प्रीवियस क्लोजिंग के बेसिस की अगर हम बात करें तो उसके नीचे जाके ही बंद हो रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए एक बेस्ट बाय कब बनता है? बैंक निफ्टी के लिए बेस्ट बाय बनता है जब ये 28,500 के ऊपर निकलता है सस्टेनेबली, या ना वरना कि जो आज इसका हाई था उसके ऊपर निकलता है क्लोजिंग बेसिस पे बंद होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 29,000 का लेवल या 28,900 का लेवल और सेकेंड टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 29,600 का लेवल। दोबारा गाइज मैं आपको बता देता हूँ, 28,500 के ऊपर निकलेगा तो 28,900 और 29,600 का टारगेट। अगर आपको ये कभी भी दोबारा मिल जाता है 28,350 के आसपास, यानी कि आपको यहाँ से 100-120 रुपये ऊपर मिल जाता है तो आप एक कॉन्ट्रा पॉइंट लेके आप एक शॉर्ट पोजीशन दोबारा इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 28,500 का रखना पड़ेगा। टारगेट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 28,000 के एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, पर बाय चांस अगर ये 28,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है क्लोजिंग बेसिस के अंदर और एक दो दिन उसकी नीचे ट्रेड करता है तो अल्टीमेट टारगेट गाइज मैं आपको सीधा बता देता हूँ वो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 27,000 के आसपास भी जा सकता है मार्केट। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, हम देख रहे हैं कि मार्केट में ये पॉजिटिव न्यूज़ आई है पर इसको अगर हम मान के चले इसको ऊपर कवर करने के लिए अगर इसको हटाना चाहे तो इससे भी ऊपर जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रेड वॉर, जो ट्रंप ने एक हम देख सकते हैं कि दोबारा टैरिफ लगा दिया है चाइनीज़ गुड्स पे एक्स्ट्रा, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो हम देख रहे हैं जो बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। उसके बाद हम देख रहे हैं फेड पॉलिसी जो आई थी वो हमारे अनुमान की अच्छी नहीं थी, मार्केट के सेंटीमेंट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करके गई। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं गाइस ये हमारी मार्केट को एक शायद रेंज में लेकर जा सकती है। पर अगर ये जो मैंने आपको FPI और FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वाली और मिनिमम होल्डिंग वाली जो मैंने आपको न्यूज़ बताई है अगर ये डीले होती रहती है गाइस और अगर शायद हम देखते हैं कि इस पर कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता उनके रिलेटेड, सो गाइस ये मार्केट और ज़्यादा डीप डाउन करेक्शन दिखा सकती है। सो वेट करिए, ये न्यूज़ आने दीजिए तो बाय करिए, जो वरना जो मैंने लेवल बताया उसके ऊपर निकले या नीचे निकले तब आपको बाय या सेल पोजीशन इनिशिएट करके रखनी पड़ेगी। कल आपके लिए 5 स्टॉक्स आ जाएंगे कि 5 तारीख को जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो कौन से शेयर बाय करने हैं। उसके साथ आपके लिए मैं एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ 2 शेयर के लिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है। गाइज मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों को मैंने अपनी निफ्टी की स्ट्रैटेजी दी थी और उन लोगों ने आज मार्केट चाहे गिरी हो जितनी जितनी मार्केट गिरी है उतनी तक हमने पुट बाय करके पैसा कमाया, अच्छा सा अच्छा पैसा कमाया जब मार्केट शुरू से लेकर आखिरी तक गिरी है और जिस लेवल से रिकवरी करी है 11,080 तक वहाँ से लेकर वहाँ तक हमने कॉल में भी पूरा का पूरा पैसा कमाया है।
सो गाइस ये स्ट्रैटेजीज हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरा लिंक होगा, फ़ोन नंबर होगा, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और इसी चैनल पर आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। गाइस मैंने आपके लिए बहुत सी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर डिटेल टेक्निकल एनालिसिस शेयर करी हुई है, जाके देखिए अपने वो सपोर्ट के लेवल पे आ गए हैं वो ऐसे 5-6 स्टॉक्स। डिस्क्रिप्शन पे मैंने उन स्टॉक्स का लिंक दे दिया, जाके देखिए। उस लेवल पे अगर आप अपनी लॉन्ग टर्म बाय भी करेंगे या अगर आप 2-3 महीने के पर्पज से भी बाय करके चलेंगे उन 5-6 स्टॉक्स को, तो आप अल्टीमेटली बहुत पैसा कमा पाएंगे। अगस्त की सीरीज के लिए मैं 3 स्टॉक जो अपने क्लाइंट्स को बाय करवा चुका हूँ और जो मैंने खुद बाय करा है उसकी वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, जाके देखिए। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ध्यान से रीड करिए और सारे लिंक्स को जाके आप चेक जरूर करिएगा। गाइस गुड बाय।